हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे एनसीसी स्कॉट्स पे आज हम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्लास नाइन्थ एम क्लास नाइन्थ एम सी क्यू बेस्ट क्वेश्चन ओके कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन क्लास नाइन्थ एम सी क्यू क्वेश्चन विथ आंसर कॉरेक्ट देक्ट दी ऑप्शन ओके तो क्वेश्चन नंबर वन वीडियो को एंड तक जरूर देखना ओके okay? इसमें हम अभी लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन के आसपास करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन मतलब एडॉप्ट कब कब कर लिया गया था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सा आंसर होगा छब्बीस नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन में ओके okay? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ रॉन्ग अबाउट डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है इसमें रॉन्ग आंसर सिंपल हमें दिख गया ही वॉज बॉर्न इन महात्मा गांधी महाराष्ट्र वो महा महाराष्ट्र में जन्म नहीं हुआ था उनका ओके okay? बाकी ही वॉज द चेयरमैन वो चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग के टाइम में लॉ मिनिस्टर भी थे वो और फाउंडर रिपब्लिक पार्टी के तरफ से भी उठे वो तो ये हमारा आंसर राइट right हो गया ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हुए अमॉंग दी फॉलोइंग वॉज नॉट द मेम्बर ऑफ कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूट असेंबली ओके मतलब कि इसमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूट असेंबली में नहीं थे सिंपल से महात्मा गांधी नहीं थे महात्मा गांधी नहीं थे ओके okay? क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है नेल्सन मंडेला रिमेंड इन इन दी जेल फोर नैलसर मंडेला कितने ईयर में वो जेल गए थे ट्वेंटी एट ईयर में गए थे ओके क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस मतलब साउथ अफ्रीका का जो अपार्थेड रूल अपार्थेड था उसको अपार्थेट को क्या क्या कहते हैं किस बेस पे हुआ था साउथ अफ्रीका में रेस के बेसिस पे हुआ था ना रेस क्या होता है गोरे और काले लोगों के बीच में ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है हाउ मेनी रिमेंबर हैड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रोड द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कितने असेंबली थे एक बात बताऊँ दोस्तों तो ये दो सौ भी नहीं थे वन नाइन्टीन वन नाइनटी नाइन भी नहीं थे वन नाइन्टी भी नहीं थे तो इसका राइट आंसर होगा टू नाइन्टी नाइन जब ब्रिटिश लोग चले गए थे तो हमारा टू नाइन्टी नाइन थे और ब्रिटिश से जाने से पहले हमारा थ्री एट्टी नाइन थे ओके ये हमारा दोनों मैंने बता दिया ओके दोनों में ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या विच ऑफ दी क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल में क्या नहीं इंक्लूड है रिलीजन क्या नहीं है रिलीजन ओके क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन कम इफेक्ट इन टू इफेक्ट मतलब इंडिया में मतलब अपने देश में देश में कब uh, लागू कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कब इफेक्ट कर दिया मतलब कब लोगों के बीच में रख दिया गया था सिंपल सा रिपब्लिक डे के दिन जो हम बनाते मनाते ना छब्बीस जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को ओके okay? ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन है वन वट चार्जेस वॉज नेल्सन मंडेला सेंटेंसेस टू लाइफ एम्प्रीजमेंट फॉर ट्रीजन सिंपल सा आंसर फॉर ट्रीजन ओके ट्रीजन का मतलब क्या होता है ट्रीजन मतलब होता है ट्रीजन मतलब देश रो होता है क्या होता है देश रो ओके क्वेश्चन नंबर नाइन का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन का इन विस वे दिद सिस्टम ऑफ अपार्थे डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट एमोंग दी साउथ अफ्रीकन्स तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एवो क्या होगा इसका आंसर ऑल ऑफ दी एवो मतलब इसमें सारा सही होगा अब क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं वाई डिड दि वाइट रिजम डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसीज कौन से पॉलिसीज से चेंज किया गया था इंक्रीज इन प्रोस्टेक्ट एंड इंक्लूडिंग बिकमिंग डिफिकल्ट इसका आंसर होगा बहुत ए एंड बी ओके मतलब दोनो, दोनों दोनों तरीके से चेंज किया गया था ओके okay? क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है व्हेन दिस साउथ अफ्रीका बिकम्स बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री कब हुआ था सिंपल सा आंसर होगा छब्बीस अप्रैल नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन नाइनटी फोर में नाइन्टीन नाइन्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेम दी ऑटोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेरा द लॉन्ग ऑफ द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रीडम के लिए बहुत लंबा थी चले थे ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है वट दाइट माइनोरिटी फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्स प्रोटेक्ट इट इट्स प्रिवलेज एंड प्रॉपर्टी मतलब प्रोटेक्ट करता है प्रिवलेज को और प्रॉपर्टी को ओके okay? ये हमारा राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट इसमें से कोई करेक्ट आंसर बताना है ऑल कंट्रीज दैट हैव कंस्टिट्यूशन आर नेसेसरी डेमोक्रेटिक ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरी हैव कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा क्या होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर यही बता देती हूँ मैं क्योंकि हर एक कंट्री में डेमोक्रेटिक होना नेसेसरीली मतलब जरूरी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी होना जरूरी है। क्योंकि जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक होता है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है ओके चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं वेयर वॉज दिस नाइनटीन थर्टी वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड मतलब कहाँ पे नाइनटीन थर्टी वन सेशन में इंडिया का नेशनल कांग्रेस हुआ था सिंपल सा कराची में हुआ था किस में था कराची में ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वेयर द इलेक्शन हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन इंडिया इन नाइनटीन थर्टी सेवन थर्टी सेवन में हुआ कहां पे हुआ था कब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव ओके इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं विच रेवोल्यूशन इन दर्ल्ड इंडियंस इंडिया टू सेटअप सोशलिस्ट इकोनॉमिक सोशलिस्ट इकोनॉमिक बताना ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन देखते हैं व्हेन दिस असेंबली अडॉप्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इजी क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था वही अडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन uh, असेंबली को छब्बीस नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं हाउ मैनी अमेंडमेंट वेयर कंस्टिडर बिफोर बिफोर अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कितने कितने अमेंडमेंट लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्योंकि बिफोर मतलब पहले होता है अराउंड टू थाउजेंड के आसपास कितने लगे थे अराउंड टू थाउजेंड ओके क्वेश्चन नंबर आज हमने ट्वेंटी कर लिए और पार्ट टू वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा अभी जस्ट इस ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी ओके okay? चलो बाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और लाइक करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना क्योंकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा तभी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से वीडियो अपलोड हुआ ओके okay? और आपके लिए फ़ायदा है और नहीं करोगे तो आपका ही लॉस जाएगा कोई बात नहीं बाय ओके समझ में आया तो ठीक है तो जो समझ नहीं आया मेरे को आ, कमेंट जरूर करना ओके और अपना हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि पेपर बस सात दिन में ही आने वाला है ओके चलो बाय